हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल प्रखर वीयर ब्लॉग। गाइज मैं अपने बाइक में जो इंजन किलस्विच अभी के पहले इंस्टॉल किया था उसका पार्ट टू वीडियो लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी के पहले वाले वीडियो में यहाँ पे इंजन किलस्विच लगाया हुआ था जिसको मैंने निकाल दिया था, और अभी मैं सिर्फ वीडियो के लिए यहाँ पर लगाया हूँ। और पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी के पहले मैंने जो कनेक्शन किया था वो इससे किया था, ये रेड वाला वायर से जो पॉजिटिव वायर है, और अभी मैंने इससे किया है ब्लैक वाला से जो निगेटिव वायर है। और ये वायर चेंज करने का रीज़न ये है कि मैंने इसको चेंज किया था तो इंजन माल फंक्शन का लाइट हमेशा ऑन रहता था, तो मुझे लगा कि शायद पॉजिटिव की वजह से ऐसा हो रहा होगा, निगेटिव चेंज कर दूंगा तो वो सही हो जाएगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। अब इससे ये वर्क तो अच्छा से कर रहा है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक भाई ने मुझे कमेंट करके बोला था प्रॉब्लम बताओ, तो इसका प्रॉब्लम ये है भाई, काम तो अच्छा से करेगा, किक काम नहीं करेगा। अगर इसको लगाऊंगा इससे तो ये किक से बाइक स्टार्ट कभी नहीं होगा, चाहे कितना भी किक मारो, सेल्फ से एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी कब, सेल्फ दबाए रहो 10 सेकंड तक उसके बाद। और यहाँ पे ऑन करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इंजन माल फंक्शन का लाइट अभी ऑन रहता है, सेल्फ मारने पर ख़त्म हो जाता है, पर यहाँ पर मैं सेल्फ मार के दिखाता हूँ, यहाँ पर सेल्फ से बाइक स्टार्ट हो गया पर यह ख़त्म नहीं हुआ। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे इंजन माल फंक्शन का लाइट ऑफ करेंगे तो ये इंजन किल स्विच को ऑफ करेंगे, बाइक बंद हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अपने आप बंद हुआ, अभी ये स्टार्ट भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये स्टार्ट करूँगा यहाँ से, शायद करंट ना मारे, यहाँ से स्टार्ट करके दिखाता हूँ पहले। अब बाइक स्टार्ट नहीं होगा, इसको ऑन करेंगे बाइक स्टार्ट, टाइम लगता है थोड़ा पर बाइक स्टार्ट हो गया। अब इसको बंद करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑफ़ करना है, बंद हो जाएगा। पर यही प्रॉब्लम है कि ये हमेशा जलता रहेगा, अगर ये नहीं जलता रहता मतलब ये बंद हो जाता, जैसे स्टार्ट किए, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, अगर ये स्टार्ट हुआ बाइक ये बंद हो जाता तो मैं इसको हमेशा के लिए इंस्टॉल करता, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये इंस्टॉल करने के बाद ये वाला इंजन माल फंक्शन का लाइट हमेशा के लिए जलता रहेगा, तो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए, क्योंकि इससे ये होगा बाइक में इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगा, जैसे मैं इंजन में हो या कोई वायर में हो तो वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंजन माल फंक्शन का लाइट जब ऑन होता है बाइक में कोई प्रॉब्लम होता है तब, और वो हमेशा ऑन रहेगा तो पता नहीं चलेगा, जिसके वजह से मुझे इसको निकालना पड़ा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।